गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है कुछ यादें हैं मेरी गांव की। हम अभी फ़िलहाल गांव से होकर आए हैं तो वहां के वीडियोस हैं, होपफुली आपको पसंद आएंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट डाउन करें। यह हम मंदिर है, फेमस मंदिर है वहां का। जो लोग वहां के हैं जानते होंगे कि यहाँ का मंदिर ये फेमस है। और ये है महोबा सिटी में मंदिर है, काफ़ी फेमस है। तो चलिए वीडियो को इन्जॉय करिए। फिलहाल हम लोग जो है मंदिर पहुंच चुके थे, वहाँ पर मतलब देखा हमने, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं एक बार बताऊँ, गांव के मंदिर जो होते हैं वहाँ पर जो पंडित वगैरह होते हैं, सीरियसली कोई लालच कुछ नहीं होता, कुछ भी आपसे वो डिमांड नहीं करते। बस आप जाइए पूजा करिए। और अब मैं जा रही हूँ फूल लेने के लिए, मतलब प्रसाद लेने के लिए, नारियल वगैरह। 30 रुपये का मुझे सारा उन्होंने कॉम्बो जो होता है ना, प्रसाद नारियल अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे 30 रुपये में दे दी। तो मैं अभी फ़िलहाल नारियल ले लूँगी और नारियल लेने के बाद जो है मैं पूजा करने जाऊँगी। पूजा कर मेरे साथ आए हैं मेरे हस्बैंड, मेरा भाई और कुछ आसपास के लोग हैं। सो मैं वहाँ पर जो है पूजा करने जा रही हूँ। अगरबत्ती मैंने ले ली, नारियल भी ले लिया और अब जो है हम लोग मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए। मैं बैकग्राउंड जो वॉइस है नहीं हटाऊंगी क्योंकि बहुत अच्छी नॉइस, मतलब बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी चिड़ियों की चहचहाट की, मंदिर की घंटी की। तो मैं पीछे का वॉइस नहीं हटा रही हूँ, होपफुली आप लोग मैनेज कर लेंगे और आपको पसंद भी आएगा ये वीडियो। और आपको एक अच्छा सा मतलब एक सुकून टाइप लाइफ होती है गांव में, जो आपको इन आवाज़ों में, इन वीडियोज़ में देखने को मिलेगी कि कितनी शांति होती है। कोविड-19 चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं थी बिल्कुल। और भीड़ ना होने की वजह से एक तो हम दर्शन अच्छे से कर पाए, प्लस यहाँ के जो लोग थे काफ़ी सोशल मतलब डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। अभी कुछ मंदिर जो है ये कंस्ट्रक्शन में है, मतलब मुझे लगता है 9 खाने बने हुए थे तो 9 ग्रह के लिए जगह छोड़ी गई है। बाकी 9 देवियाँ हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं। भोले बाबा का मंदिर है जो काफ़ी देखने में अच्छा है और जो भी कहते हैं कि यहाँ पर जो जाता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, तो मेरी भी हो और जो मेरे साथ इस वीडियो को देख रहा है उस उनकी भी मनोकामना पूरी हो। आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप ऐसे ही इंजॉय कर सकें। और आपका एक लाइक और एक कमेंट जो है वो बहुत मोटिवेटेड होता है मेरे लिए, काफ़ी मोटिवेट करता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे आपका जो आने वाले वीडियो हैं आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर किसी की क्वेरी, किसी का कोई मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर, मतलब मैं अपनी आवाज़ यहीं पर बंद करती हूँ और आप होपफुली आप इस वीडियो को इन्जॉय करेंगे आगे। नारियल खा रहे हो? मुझे भी दे दे यार, गरी बेर कुछ भूला रहे चूरन खाए किसी से बनता है खाद ना पे किसी को खाओ वो किसी ठंडा यार तुम्हें यार बैठेंगे यार चल कुछ इधर भी जा सकते हैं। नहीं टूट रहा भाई, मुझे दे दो दांत से काट लिया। अबे पीछे तो मुड़ा करो कोई।
दीदी आपका फोन रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज और सेवाएं बंद है इनकी, हो जाएगा, हुआ पड़ा रिचार्ज। और अभी साइड में एक और मंदिर था जो कि काफ़ी अच्छा था, वाइट कलर की मूर्ति थी शंकर भगवान की, हमें देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और मैं यहाँ की एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मूर्तियों से ज़्यादा अवशेष कहते हैं जो पुराने ज़माने के खंडरों में पाई जाती थी मूर्तियाँ, उनको यहाँ पर रखा गया है, तो उनको देख कर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ पुरानी चीज़ें हम देख रहे हैं। उनको डिज़ाइन नहीं किया गया, वैसे ही जैसे निकलती हैं मूर्तियाँ, जैसे गणेश जी की शंकर भगवान की, उनको रखा जाता है यहाँ पर। तो बहुत मान्यताएं हैं कि इस जगह पर वो ज़्यादा मूर्तियाँ यहाँ पर रखी जाती हैं। और अब हम लोग वापस आ रहे हैं, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच, और लाइक करके जरूर करना, लाइक करके जरूर। Two, three.